मित्रों मेरे यहां संसद कमेटी आई थी गुजरात में, तो संसद कमेटी में जो मिलने आई पूरी कमेटी के लोग थे, सच्चा साहब जी थे, उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि मोदी जी आपकी सरकार ने मुसलमान के लिए क्या क्या किया है। मैंने कहा कुछ नहीं किया। मैं आपको इतने बड़े ऑडियंस को एक बड़ी हिम्मत के साथ बताता हूं, मैंने उनसे कहा मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने कहा थोड़ा आगे भी लिखिए, मैंने हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया, मैं गुजरातियों के लिए कर रहा हूं। मेरी जिम्मेवारी 5.5 मिलियन गुजरातियों के लिए, 5.5 करोड़ गुजरातियों के लिए मेरी जिम्मेवारी है और मैं उसी काम को कर रहा हूं। मैं ये परिभाषा को स्वीकार नहीं करता। फिर भी वो पूछते चले, नहीं फिर भी तो कुछ करते होंगे। मैंने कहा मेरे यहां साबरमती में नर्मदा का पानी बह रहा है, मुझे करोड़ों करोड़ रुपए का खर्च हुआ है तब जाकर के मेरे साबरमती में नर्मदा का पानी बह रहा है। मैंने रिवर ग्रेड का काम किया और रिवर ग्रेड के कारण इस अहमदाबाद के नगर को शुद्ध पानी मिल रहा है। क्या मैं अभी तलाश ले लूं कि कितने लीटर पानी कौन कम्युनिटी का पी रहा है? क्या देश को ऐसे ही चला रहे हैं? और इसलिए मैं मानता हूं मित्रों, क्यों ना हम 100 करोड़ देशवासियों की चिंता करें। और इस देश के अंदर शायद मैं पहला राजनेता हूं जिसने इन टर्मिनोलॉजी को खत्म करते हुए गुजरात के अंदर लगातार 5.5 करोड़ गुजरातियों की भाषा को मैंने प्रस्तावित किया है और मेरे विकास की राह को उस प्रकार से पकड़ा है। मित्रों मेरे राज्य के अंदर गर्ल्स एंड एजुकेशन, मुझे मालूम है जब मैं वहां गया तब गर्ल्स एंड एजुकेशन में हम बहुत पीछे थे। मैंने एक अभियान चलाया मेरे यहां कभी 60% एनरोलमेंट होता था, 49% ड्रॉपआउट था। अब कल्पना कर सकते कितनी दुर्दशा होगी ऐसे देश में, हमारे जैसे राज्य में। मैंने बेड़ा उठाया, स्थान में लग गया। आज मेरे यहां 100% एनरोलमेंट होता है और ड्रॉपआउट का 3% ले आया हूं। मित्रों किसका भला हो रहा है? किसका भला हो रहा है? लेकिन क्या जरूरी है वोट बैंक के लिए कि मैंने इस कम्युनिटी के लिए ये किया यही भाषा बोली क्या? जब तक इस भाषा को हम रोकेंगे नहीं तब तक ये राजनीति उल्लू सीधे करने की नौबत है, बंद होने वाली है। मित्रों मेरे राज्य के अंदर किस प्रकार से अगर लीडर को हिम्मत के साथ अगर काम करना है, मैं अर्बन डेवलपमेंट का काम कर रहा हूं। मेरी पार्टी में ज्यादातर वोट बेट परसेप्शन यह है कि अर्बन एरिया में है। मेरी पार्टी में ज्यादा वोट मिडिल क्लास में है, ये परसेप्शन तो है। मित्रों मेरे सामने विषय आया तो मैं आम टॉपिंग पर 2005 मैंने एक अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया। अब जब मैंने सारा कार्यक्रम तय किया उसमें मुझे एनक्रोचमेंट हटाने, मेरी पार्टी के सभी मेरे नेताओं ने मुझे प्रेशर डाला कि मोदी जी अर्बन डेवलपमेंट ईयर में ये जो एनक्रोचमेंट हटाने का काम कर रहे उठा रहे हो, 2005 के एंड में चुनाव आ रहा है, हम चुनाव हार रहे हैं। मैंने कहा चुनाव हारे या जीते मुझे इस राज्य का भला करना है और मैं इस प्रकार की चीजों को नहीं बदला सकता। मेरी पार्टी के लोग मेरे से नाराज हुए, मैं अपने काम पर अड़ा रहा। मैं तो उस अर्बन डेवलपमेंट ईयर में मैंने 2 लाख एनक्रोचमेंट हटाए, 2 लाख 143 टाउन में से 2 लाख एनक्रोचमेंट हटाए। मित्रों मेरी अपनी जिसको वोट बैंक कहते हैं उसके खिलाफ यह सारी कार्रवाई की, लेकिन जब चुनाव हुआ 90% विक्ट्री मेरी पार्टी की। और मैं विश्वास से कहता हूं मित्रों, वोट बैंक पॉलिटिक्स के बिना डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स से देश का भला किया जा सकता। मित्रों मेरे यहां बिजली, सारे देश के बिजली के कारखाने गड्ढे में पड़े, करोड़ों रुपये की खाद में चल रहे। मैं जब गुजरात में गया तब मेरे यहां 2500 करोड़ रुपीज ईयरली मेरा लॉस था, मेरे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ट्रांसमिशन लॉस बहुत भारी था, चोरी हो रही थी। मित्रों मैंने हिम्मत के साथ आया है क्योंकि स्थिति बदल गई है। गुजरात जॉन्डी स्टेट जहां पर मेरा इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में 2500 करोड़ के ईयरली लॉस में से 4 साल के भीतर दिस ईयर मेरा 700 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। और कोई मैंने बिजली के दाम बढ़ाए नहीं है, ऊपर से थोड़ी रियायत दी है स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए। और उसके लिए मुझे कठोरता के साथ
बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ी। मेरे इस चुनाव के अंदर मुझ पर जो आरोप मेरे पर मेरे खिलाफ जो भाषण होते थे उसमें एक भाषण लगातार सब नेता करते थे, वो ये करते थे, ये मोदी है जिसने बिजली चोरी के नाम पर किसानों को जेल में बंद कर दिया था, ये मुद्दा आरोप लगता। मित्रों, मैंने ढाई लाख रेट की थी, 2.5 लाख बिजली चोरी रोकी। बताइए मुझे, मैंने गुजरात और देश की भलाई का काम किया है या नहीं किया? अगर मैं मानता हूं मैं वोट बैंक की राजनीति करने जाता तो शायद मैं उस ऊंचाइयों पर मेरे राज्य को नहीं ले जाता। और उसका नतीजा यह है कि आज गुजरात इज ऑनली स्टेट इन द कंट्री वायर 18,000 विलेजेस, मेरे राज्य के 18,000 गांव है, 18,000 विलेजेस 24 आवर 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी। हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% करने के लिए पिछले 20 साल से अनेक मीटिंगें हुई है, हर प्लानिंग कमीशन उस दिशा में बात कर रहा है, लेकिन 2% 2.5% 3% से हम अटक जाते हैं। 2% 2.5% 3% अटक जाने वाले से मित्रों गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ 12% क्या वो किसान कौन है, किस मां के कोख से पैदा हुआ है, वो देखा जाता है क्या? और मैंने क्या अप्रोच लिया, किसान को पानी चाहिए और उस पर हम लग पड़े। और आज नतीजा यह हुआ कि 4 साल पहले जहां मेरे यहां 9,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इनकम थी, आज 34,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इनकम है। हिन्दुस्तान के अंदर बीटी कॉटन ग्रो करने वाले प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहा है, मेरे यहां बीटी कॉटन ग्रो करने वाला किसान विदेशों में मेरा कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा और देश कमा रहा। क्यों देश में इस प्रकार की लीडरशिप के लिए क्यों प्रेरित न किया जाए? और मुझे विश्वास है मैं गुजरात का एक सीमित कार्यक्षेत्र है, लेकिन मैं इस विश्वास से कहता हूं कि देश में सच्चे अर्थ में ईमानदारी के साथ विद कमिटमेंट विद कन्विक्शन अगर देश की सेवा करनी है तो कोई वोट बैंक की राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं होती है। मित्र, खुले आम आंख में हाथ मिला करके अपने आदर्शों पर खड़े रह करके अगर जनता की भलाई के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें, देश की शक्ल सूरत बदली जा सकती है। और मैं उसी विश्वास से लगा हूं। और मित्रों, ये जितने भाषण मेरे खिलाफ हमारे प्रभु चावला ने अपने पिछले जितने शब्द जहां जहां प्रयोग किए होंगे सारे आज आपको नहीं सुना, लेकिन यही इंडिया को देश भर में सर्वे कर रहा हूं। और मैं मेरा मुख्यमंत्री पद का काल टोटल 6 साल पूरे हो गए, 7वां वर्ष मेरा चल रहा है, और 7 साल 6 साल में हर बार जब मैं नया नया बना था चाहे मेरा 7 या 8वां नंबर दिया था इंडिया पूरे सर्वे ने, लेकिन बाकी हमेशा या तो पहला या ज्यादा से ज्यादा बहुत दूर ले जा पाए तो 2 नंबर ले जाए। गालियां बोल रहे हैं तो आपका इंडिया टूडे का लीडर भी मानने को तैयार नहीं है। यह हाल है आप लोगों का, आपका इंडिया टूडे का लीडर आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है। यह स्थिति पैदा हुई है क्योंकि अगर सच्चाई और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा में कब जाते हो तो सत्य कभी न कभी उभर करके आता है। मित्रों, झूठे आरोप लगे टिकते नहीं मित्रों। और मैं विश्वास से कह रहा हूं गुजरात देश के लिए काम आने वाली प्रगति है।